संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सप्तमी विभक्ति हमारी लगभग समाप्त हो गई है। अब मैं सप्तमी विभक्ति और पंचमी विभक्ति से संबंधित एक दो सूत्र हैं उनको बताने का प्रयास करूंगा। उसमें तीन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, अंत में लेता हूँ मैं ऐसी चीज़ों को। और फिर उसके बाद हम कर्म प्रवचनियों के बारे में जानेंगे। कर्म प्रवचनी शुरू कर दिए हैं, हो सकता है इससे पहले या उसके बाद में देख लेते हैं, जैसे भी है। तो हम तो इसमें सूत्र ले लेते हैं। हम इसमें एक तरह से आप पंचमी, सप्तमी, षष्ठी, तो हम सप्तमी षष्ठी तो जान ही रहे हैं, इतने सूत्रों में लगभग ये जाना ही है। इसमें पंचमी और देख लेते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर हमेशा एक प्रश्न इस विभक्ति से रहता है, हमेशा रहता है ये। इसका मान लीजिए इसको, ये हमेशा ही रहता है। इसका सूत्र है यतश्च निर्धारणम्, ठीक है, और पंचमी विभक्ति, ये दो है मात्र। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। यतश्च निर्धारणम्, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें है यतः चा निर्धारण, ठीक है। यतः का मतलब होता है जिससे, है ना, नेतः का मतलब जिससे, निर्धारण जिससे निर्धारण किया जाए उससे सप्तमी होती है। चा से इसमें षष्ठी का भी विधान किया गया है, या चलिए ये ठीक है। तो इसमें यतश्च, यतः मतलब जिससे, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, याद रखना। ये दोनों सूत्र हैं, ये तुलना में आते हैं। किसमें आते हैं? ये तुलना, जब भी तुलना की जाती है तो ये दोनों सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब ये दोनों सूत्रों का कहां तुलना में किधर कहां प्रयोग किया जाता है, इसे थोड़ा सा जान लें। जब भी यतश्च निर्धारण वाला आएगा वो समूह में आएगा, समूह में तुलना की जाएगी किसी से। जैसे कक्षा है और सारी कक्षा में एक बच्चे से कहा जाए कि राम श्रेष्ठ है, कक्षा में राम श्रेष्ठ है, तो कक्षा में बहुत से बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, उसमें राम को श्रेष्ठ बताया गया है। गाय है बहुत सी, उन गाय में अलग अलग रंग की हैं, और कहा जाए कि ये काले रंग की गाय बहुत दूध देने वाली है, तो बहुत में समूह में हो गया ये। इस तरह से ये यतश्च निर्धारण में प्रयोग किया जाता है। पंचमी में मात्र दो लोगों में या दो व्यक्तियों में, दो राज्यों में, दो से ही संबंधित होता है और उसमें तुलना की जाती है। जैसे राम से कृष्ण श्रेष्ठ हैं, इस तरह से प्रयोग किया जाता है। दोनों होंगे राम और कृष्ण, तो दो है मात्र, दोनों में अगर तुलना की जा रही है तो याद रखना है पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, और उसमें सिर्फ पंचमी का ही, पंचमी विभक्ति ही प्रयोग की जाएगी, ना तो उसमें सप्तमी आएगी ना षष्ठी आएगी। लेकिन यदि समूह में प्रयोग किए जा रहे हैं तो यतश्च निर्धारणम् से उसमें षष्ठी भी आएगी और सप्तमी का भी प्रयोग किया जाएगा। ये जो होता है समूह, ये जाति के अंतर्गत होता है, क्रिया में होता है, गुण में होता है, और एक और होता है जाति क्रिया गुण, इस तरह से ये तीन से चार होते हैं इनके। मैं उनका उदाहरण दे दूंगा तो आपको बातें साफ हो जाएंगी। तो एक एक उदाहरण ले लेते हैं इनके, ठीक है, चलिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देख लेते हैं जातिगत में, ठीक है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो जाति में कैसे है,
मनुष्य जो है वो जातिगत माना जाता है, अर्थात समूह। जाति का मतलब एक प्रजाति से संबंधित होता है। मनुष्य एक जाति है, किसी भी कोने में चले जाइए सारे मनुष्यों के बारे में बात करी गई है इसमें। जैसे एक मछली की जाति प्रजाति ले लीजिए, वो सारी मछलियों को ही दर्शाती है। ऐसे मनुष्य यहाँ सारे प्राणी मतलब मनुष्य जो है पृथ्वी किसी भी कोने हो सबके लिए मनुष्य का प्रयोग किया गया। इसलिए जाति जाति का मतलब होता है एक तरह से एक समूह मान लीजिए आप, ठीक है। तो उन समूह में मनुष्य का जो झुंड है या समूह है उसमें कौन है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो यतश्च जो बात करी गई है, यतश्च निर्धारणम, तो यतः जिससे है, जिससे श्रेष्ठ हो, जिससे श्रेष्ठ हो, किससे श्रेष्ठ है, मनुष्य से। तो नृणाम नृषु द्विजहा श्रेष्ठा, ठीक है। सीधे इसमें पंचमी षष्ठी का प्रयोग करके सीधा इसमें वाक्य बन जाएगा। दूसरा है गौओं में काली बहुत दूध देने वाली है। यहां पर बहुत दूध देने वाली कौन सी है, काली, अर्थात ये गुण है ना। जो भी गुण बतलाए, गुण से तात्पर्य जानते हैं विशेषता बतलाए किसी चीज की। तो गौओं में यानी जो गायें हैं, बहुत सारी गायें हैं, रंग बिरंगी गायें हैं, उसमें सफेद भी हैं, चितकबरी हैं, और भी अनेक गायें हैं, उनमें काली जो गाय है वो कैसी है, अधिक दूध देने वाली है। तो यतश्च निर्धारण याद रखना है, समूह में प्रयोग किया जा रहा है। तो उन समूह में सीधे षष्ठी सप्तमी का प्रयोग यहां किया जाएगा। तो गौओं में, तो गवाम या गोशु, गवाम गोशु कृष्णा बहु क्षीरा, यतः का याद रखना जिससे, है ना, जिससे यानी कि जिसमें गौओं से जितनी भी गाय है उन सब से काली गाय ज्यादा दूध देती है, उन सभी से, इसमें समूह में याद रखना है, सभी से जो श्रेष्ठ हो जिसकी तुलना की जाए, ठीक। तो गवाम गोशु कृष्णा बहु क्षीरा, दूध देने वाली है। चलिए जाते हुओं में दौड़ता हुआ शीघ्र होता है, ठीक है। अब बहुत से लोग जा रहे हैं, यहां ध्यान रखना है, इस बात में पता चल जाता है कि बहुत से लोग जा रहे हैं। तो जाते हुओं में दौड़ता हुआ शीघ्र होता है, यानी बहुत लोग जा रहे हैं, उनमें से कौन दौड़ता हुआ जल्दी पहुंच जाएगा। मात्र 50 लोग दौड़ चल रहे हैं, उनमें यदि एक व्यक्ति दौड़ने लग जाए तो क्या होगा, वो जल्दी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा, मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो जातु हुआ से, ठीक है, यतश्च निर्धारण सीधा सूत्र लग जाएगा इसमें, षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग करके सीधा इसमें वाक्य प्रयोग हो जाएगा। समूह की बात कर रहा है ये क्रिया में प्रयोग किया जा रहा है, याद रखना है ये क्रिया में, पहला बार हमने देख लिया था वो जाति में था, दूसरे गुण में, ये क्रिया में है, ठीक। तो जाते हुए गच्छताम या गच्छत्सु, गच्छताम गच्छत्सु धावन, धावन का मतलब दौड़ता हुआ शीघ्र, बस। जाते हुए में हुओं में दौड़ता हुआ शीघ्र होता है, बस इसको याद रखना है। समूह है, समूह में जिससे शीघ्र हो, जिससे दौड़ता हुआ यानी जो जा रहे हैं पैदल पैदल सभी लोग चल रहे हैं, उसमें दौड़ गया कोई, तो जाते हुए में बहुत से तुलना की जा रही है। तो उनमें समय गच्छाम गच्छताम गच्छत्सु धावन शीघ्र, षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग हो जाएगा। ये अब आ जाएगा संज्ञा में, ठीक है। अब तक हमने चार आन लिए, छात्रों में राम
चतुर है। अब छात्र हैं बहुत सारे, उनमें क्या है कक्षा में राम क्या है चतुर है, किन से चतुर है छात्रों से चतुर है, तो छात्रों में सीधे छात्राणाम छात्रेषु पंचमी और षष्ठी का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि समूह की बात है ये, समूह में याद रखना है, समूह में पंचमी और षष्ठी का, गलत बोल रहा हूं मैं, सप्तमी और षष्ठी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो छात्राणाम छात्रेषु रामः पटु ये प्रयोग किया जाएगा। यहां कहीं भी पंचमी का हमने प्रयोग नहीं देखा है, पंचमी का प्रयोग सीधे दो व्यक्तियों में, दो राज्यों में, दो देशों में, या दो हों व्यक्तिगत हों, वहां तुलना की जाए तो पंचमी में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग सूत्र के द्वारा पंचमी विभक्ति का केवल प्रयोग किया जाता है, ठीक। और इसमें से याद रखना, हर परीक्षा में मैंने देखा है एक प्रश्न जरूर आता है, इसको विशेष याद रखना, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। अगले देखते हैं, देखिए देवदत्त यज्ञदत्त से चतुर है। अब देवदत्त यज्ञदत्त से चतुर है, तो यज्ञदत्त से याद रखना, मैंने बताया आपको यतः तो झोंकी तो आ जाएगा, याद रखना जिससे, उसमें समूह में सप्तमी षष्ठी का प्रयोग किया जाता था, इसमें जिससे चतुर हो, एक व्यक्तिगत मामला है यहां, तो यहां यज्ञदत्त से चतुर है कौन, देवदत्त, तो किसमें पंचमी किसमें आएगी, इसमें पंचमी का प्रयोग किया जाएगा, दो में इसमें तुलना की गई है, तो यज्ञदत्त से सीधे पंचमी का प्रयोग किया जाएगा, तो देवदत्ता यज्ञदत्तात् चतुर्तरह या पटुतरह, कुछ कर लो पटुतर कर लो पटु कर लो, ठीक है, इस तरह से ये प्रयोग किया जाएगा, सीधे पंचमी का इसमें प्रयोग हो जाएगा। इसमें एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, बस इसमें कुछ नहीं है, एक उलझाव है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, वो भी थोड़ा सा है, ठीक। चलिए धन से ज्ञान बड़ा है, अब यहां ध्यान देना है, धन से जिससे जो बड़ा हो, है ना, ज्ञान बड़ा है, तो जिससे बड़ा हो, याद रखना ये दिमाग में अपने से अच्छे से बैठा लो, जिससे बड़ा हो सीधे उसमें पंचमी का प्रयोग कर देंगे, और समूह की बात होगी तो सप्तमी और षष्ठी का प्रयोग किया जाएगा, तो ज्ञान से धन से ज्ञान बड़ा है, तो धन से बड़ा है तो धनात् सीधे पंचमी का प्रयोग करेंगे, दो ही तो है, धन एक और ज्ञान एक, एक एक में दोनों तुलना की गई है, धनात् ज्ञानम गुरुतर गुरुतरम, ठीक है, क्योंकि ये नपुंसक लिंग में, तो इसमें भी नपुंसक लिंग का प्रयोग किया जाएगा, ये जब भी ये पटतर है पटतम है, ये जब भी प्रयोग किए जाते हैं वो विशेषण के हिसाब से प्रयोग किए जाते हैं, कि विशेष के हिसाब से, क्योंकि विशेषता ही तो बतला रहे हैं, विशेषण है, विशेषण हमेशा संज्ञा के हिसाब से चलता है, अर्थात विशेष जो होगा वही विशेषण का प्रयोग होगा, तो धनात् ज्ञानम गुरुतरम, अर्थात धन से ज्ञान बड़ा है। उम्मीद है पंचमी व्यक्ति पूरी समझ में आ गई होगी, इसका मैं एक उदाहरण और देता हूं आपके, समझ में आ जाएगा पूरी बात ना, फिर कृष्ण राम से चतुर है, या चतुर है जैसे भी है कोई दिक्कत नहीं, राम से, जब राम से शब्द हो गया तो सीधे इसमें पंचमी का प्रयोग कर लिया जाएगी, मैंने इसमें भी विसर्ग लगा दिए हैं, तो कृष्ण रामात चतुर्तरह, या इसको इसे ही रहने दीजिए, ठीक है, या इसमें प्रयोग कर सकते हैं, बस ये था, इसमें कुछ नहीं था, यतस्य निर्धारण पंचमी विभक्ति, यतस्य निर्धारण पंचमी विभक्ति, यतस्य निर्धारण समूह में होता है, सप्तमी और षष्ठी का प्रयोग होता है, पंचमी विभक्ति पंचमी विभक्ति, दो व्यक्तिगत होते हैं, एक एक में जब तुलना की जाती है तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।